नो सर्विस, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है कोविड को रोकने के लिए, कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए। इसमें पुलिस को भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं, बाकी लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया है कि आप इसको सुनिश्चित कराएं। मेरे लोगों से आग्रह है कि हर चीज में हमें फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लोग खुद समझ जाए, क्योंकि अब ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो पिछले अप्रैल की थी, जब लोगों को पता ही नहीं था कि वायरस क्या है, कैसे फैलता है। अब तो हर व्यक्ति को पता है कैसे फैलता है, तो हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी खुद इंश्योर करनी है। एनफोर्समेंट के लिए लोग लगाए हैं, बाकी भी लोग हैं, बट लोग अपनी जिम्मेदारी खुद समझें, खुद मास्क पहने, ताकि जो है हम संक्रमण को रोक पाएंगे। और कोशिश सबकी होनी चाहिए कि वायरस को हम घर पे ना ले आए, क्योंकि तो अभी जितने भी केसेस आपने देखे हैं, अगर एक व्यक्ति परिवार का पॉजिटिव आता है तो पूरा परिवार जो है पॉजिटिव आता है। ऐसे ही केसेस हमारे पास आ रहे हैं, 10 केसेस आ जाते हैं तो 5 दिन के बाद 50 केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट हम कर रहे हैं, उसको बढ़ा 2 महीने के लिए अवॉइड कर रहे हैं, घर पे ना आयोजन करें, ना बाहर को आयोजन करें। सरकार ने सिर्फ अनुमति सिर्फ मैरिजेस के लिए दी है, वो भी 50 की रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। तो जिसने अगर अपना अपनी शादी का आयोजन करना ही है, तो उसमें covid.hp.gov.in की वेबसाइट है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंसर्न SDM उसमें परमिशन दे देते हैं, और हमारी SP मैडम से भी बात हुई है, जिसमें कि हर परमिशन को चेक भी किया जाता है कंसर्न SHO उनकी टीम के माध्यम से, कि वहां पर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर कोई ऐसी आयोजन मिलता है जो कि बिना परमिशन के हो, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश हमने दिए हैं। मेरे लोगों से अपील है, जितना अवॉइड कर सकते हैं इस तरह की चीजें अवॉइड करें। जहां बहुत ही जरूरी है शादी या इस तरह से, तो वहां पर सूक्ष्म तरीके से उसका आयोजन करें, ज्यादा बड़े स्तर पे इसको अभी करने का भी समय नहीं है। अंत में 2 ही अपील मैं करना चाहूंगा। एक तो किसी प्रकार के आयोजन जो है वो आप अवॉइड करें, कहीं पर भी जाना अवॉइड कर सकते, जितना अवॉइड कर सकते, बेसिक चीजें जितनी जरूरत है उतनी करें। क्योंकि जब हम ऑफिशियली कहीं लॉकडाउन लगाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो बहुत से लोगों को अनएक्सपेक्टेड परेशानी आती है, मूवमेंट को परेशानी आती है। तो अगर लोग स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जितने लोग जरूरत है उतनी चीज, उतने लोग बाहर निकले, जिनकी जरूरत नहीं है वो ना निकले, तो हम एक स्मूथ तरीके से इस कोविड से हम डील कर सकते हैं। दूसरी चीज ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी तक हम पीक के पास पहुंचे नहीं है, तो जितना कंट्रोल अभी हम कर सकते हैं, उतना हमारा पीक जो है वो कम रहेगा, उतने कम लोग संक्रमित होंगे अगर सब फॉलो करेंगे। जहां शादियों की बात है, 50 लोगों की अनुमति दी है सरकार ने, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि 50 लोगों में भी कोरोना नहीं फैल सकता। तो 50 अगर 51 होंगे तो कोरोना फैलेगा, 50 होंगे तो नहीं फैलेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। तो 50 लोग भी जब इकट्ठे होते हैं, तो उनको भी जो आवश्यक प्रोटोकॉल है, मास्क बाकी चीजें भी इंश्योर करनी चाहिए, तभी वहां पर भी कोरोना नहीं फैलेगा। तो हमने पिछला भी हमारा एक्सपीरियंस है कि जहां पर भी शादियां हुई हैं, उसके पश्चात वहां पर 70-80 केसेस उस पंचायत में, उस एरिया में आए हैं, जिन लोग भी लोगों ने शादी अटेंड की है। तो लोगों को वहां पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये टाइम बहुत ज्यादा पार्टी और बाकी सेलिब्रेशन का नहीं है, इसमें अवॉइड करें। और लास्ट में कि सिम्टम्स अगर किसी को आते हैं, तो इमीडिएटली अपना टेस्ट कराएं, घर पे वेट करने का ये समय नहीं है। जनवरी के महीने में बहुत सारे लोगों को कोई सर्दी जुकाम खांसी हो रही थी, बुखार आ रहा था, तो लोगों ने बोला था ऐसे ही होगा, और वो 2-3 दिन बाद ठीक भी हो गए। तब स्थिति अलग थी, तब इतना वायरस का संक्रमण नहीं था। आज के दिन में सबसे पहला जरूरी है, अगर तो कोई सिम्टम्स आते हैं, हमने कोई भी अलग रिस्ट्रिक्शन आज के दिन में नहीं लगाई है। जो भी अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सरकार के जो पूरे हिमाचल के रिस्ट्रिक्शंस हैं, वही रिस्ट्रिक्शंस मंडी में भी लागू रहेंगे। उसमें विशेष तौर पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो इस तरह से बंद है। मेन जो है वो सैटरडे संडे 2 दिन दुकानें बंद करने की बात की हुई है, तो जैसे इंस्ट्रक्शन सरकार की है वो यहाँ पर उस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शंस की जो मूल भावना है उसको समझते हुए, कि कम से कम लोग बाहर निकले, 2 दिन का थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अनावश्यक चीजें अवॉइड करें, यह अपील रहेगी। कोई कर्फ्यू ऑर्डर्स नहीं है, कोई और मूवमेंट के लिए कोई ऑर्डर्स नहीं है, पर लोगों से अपील मैं करना चाहूंगा कि अवॉइड करें, 2 दिन घर पे रहें, थोड़ा सा चेन ब्रेक करने में ये है, ये मददगार साबित होता है। तो इसलिए कोई एक्चुअल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है रोकने के लिए, पर लोग जो है स्वयं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर इसमें अवॉइड करें। जरूरत की चीजें जो है, दुकानें खुली है, बाकी चीजें खुली होगी, तो अगर किसी को आवश्यकता है, कोई इमरजेंसी है, तो वो कर सकते हैं। कुछ बाकी रिस्ट्रिक्शन भी बाकी भी कुछ अपने चैलेंजेस रहते हैं, कुछ जैसे शॉप्स हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो 24 घंटे चली हुई है, तो वो चलती रहेगी। बट लोगों से जनरली इस भावना है उसको समझकर अवॉइड करें, जितना बाहर निकल सकते हैं।
जो हमारे PRIs हैं उनसे लगातार हम संपर्क में हैं, उनसे हेल्प मांग रहे हैं और वो अच्छा समर्थन भी दे रहे हैं। जो अर्बन बॉडीज है वहाँ पर भी सारे जो पार्षद हैं वो भी हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं। सभी के कोऑपरेशन के साथ ही हम सैम्पलिंग को बढ़ा रहे हैं। ये जो मैंने फिगर आपको पंचायतों की बताई वो इसलिए बताई कि हमने पंचायत को यूनिट के रूप में इसको ट्रीट किया है और उस पंचायत में जितने भी केसेस आ रहे हैं उन केसेस को पंचायत प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी थोड़ी मदद कर लें, उनको अगर कोई ज़रूरतमंद की चीज़ जरूरत की चीज़ें अगर घर पहुँचानी है, अगर वो कोई होम आइसोलेशन में तो वो उसमें हेल्प करें, सैम्पलिंग में भी हेल्प करें ताकि हम जितने भी लोग हैं उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर सके और उनको 10 दिन के बाद उनको क्लियर कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था हम पूरे जगह पर अपना रहे हैं। अंत में जो वैक्सीन की बात है, आज दिन तक हमारे पास 2 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन की डोज जिला मंडी में ली है। तो 10 लाख की पॉपुलेशन है तो 20% लोगों ने एक डोज वैक्सीनेशन का अभी तक लिया है और लगभग 27,000 लोगों ने 2 डोजेज वैक्सीनेशन के लिए है। इनमें से ही 27,000 लोगों ने 2 डोजेज की वैक्सीनेशन ली है। तो वैक्सीनेशन कैंपेन हमारा अच्छा चला हुआ है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं बढ़ चढ़ कर आएँ और अपना वैक्सीनेशन कराएं। 1 तारीख के बाद फिर बाकी लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे तो फिर उस तरह से वो भी आगे आके अपना वैक्सीनेशन कराएं। ये हमारे पास पिछले साल के मुकाबले नया टूल है कि हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे।